एक्सरसाइज 9.2 का फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया है आपको, ए बी और सी डी पैरेलल लाइन दी गई है, ठीक है, और आपको एक्स वाई और जेड की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। तो कैसे निकालोगे देखिए, अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे जेड जेड की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, देखिए जेड की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे ये लाइन, ये जो लाइन है सी डी लाइन जो है और ए बी जो लाइन है वो आपस में पैरेलल है, तो यहाँ पे ये क्या बन, कौन सेप बन गई, यहाँ पे एक एफ सेप बन चुकी है, एफ सेप बन गई, तो जेड इजक्वल टू 125 होगा। तो आप किस कारण से लिखोगे यहाँ पे, यहाँ पे लिख देते हैं हम, यहाँ पे लिख देते हैं एंगल जेड इक्वल टू 125 डिग्री, ये कौन सा होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो आप लिख सकते हो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के कारण हो गया यहाँ पे, ठीक है, डायग्राम आपके सामने है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे एक्स डिग्री एंगल निकालने के लिए, तो क्या करना होगा, ये अपोजिट एंगल का जो सम होगा यहाँ पे, अपोजिट एंगल का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। ये जो शेप आपकी बनी हुई है यहाँ पे, ये ट्रेपेजियम शेप बनी हुई है, इसके सामने इस अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंगल जेड प्लस में एंगल एक्स इज इक्वल टू 180, ठीक है, 180 लिख दिया। एंगल जेड कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 125 दिया हुआ है, प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू 180। इस 125 को इस तरफ ले जाइए, 180 में से 125 माइनस कर दीजिए, एंगल एक्स आपके पास आ जाएगा। 10 में से 5 गया 5 और 7 में से 2 जाएगा 5, तो यहाँ पे ये एक्स डिग्री आपके पास आ चुका है, ठीक है। ट्रेपीजियम के अंदर यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे, यहाँ पे इक्वल होंगे, दोनों इक्वल एंगल होंगे, सी इक्वल टू डी। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 125 डिग्री, ठीक है, इन ट्रेपीजियम, ठीक है, इन ट्रेपीजियम। तो इस कारण से आपने सी डी, मतलब यहाँ पे जो आपके पास एंगल कितना था, वाई डिग्री, तो आपके पास यहाँ पे एंगल वाई डिग्री आपके पास आ गया 125 डिग्री, ठीक है, एक्स वाई और आपने जेड का एंगल निकाल चुके हो। तो इस तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हो सवाल को। क्वेश्चन नंबर सिक्स में आपको ये डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे पी क्यू पैलर आर एस है, यहाँ पे ये दोनों लाइन क्या है, यहाँ पे पैलर है आपस में, ठीक है, यहाँ पे ये दोनों एंगल दिए हुए हैं, यहाँ पे एस आर टी 125 दिया हुआ है, पी क्यू टी 110 दिया हुआ है, ठीक है। आपको यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे इस आर से इस लाइन को बढ़ाना होगा आगे की तरफ, ठीक है, और यहाँ तक आपने पहुँचा दिया, तो इसको मैं क्या मान लेता हूँ, यहाँ पे ए मान लेता हूँ, इसको क्या मान लेता हूँ, यहाँ पे ए पॉइंट मान लेता हूँ, यहाँ पे कट है। आप क्या देखोगे यहाँ पे, ये एक स्ट्रेट लाइन होगी, ये एक स्ट्रेट लाइन होगी, तो इसका डायग्राम मैं नीचे बना देता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। तो ये यहाँ पे क्या हो गई, एक स्ट्रेट लाइन हो गई यहाँ पे, ये इस तरीके से डॉट डैश यहाँ तक ले लेता हूँ और ये पहुँच रही है ए तक, ठीक है, और यहाँ से ये लाइन इस तरीके से जा रही है जो कि टी तक जा रही है, इसको मैंने मान लिया यहाँ पे एस और यहाँ पे ये आर, मैंने ये लाइन हम पे बनाई हुई है ताकि आपको क्लियर, ये जो लाइन आपको एंगल दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ है 125 डिग्री, आपको यहाँ पे ये एंगल निकालना है, यहाँ पे इस एंगल को कैसे निकालोगे भाई, यहाँ पे ये टोटल कितनी डिग्री का हो जाएगा 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल के कारण, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते ए आर टी लिखिए या टी आर ए लिख दीजिए, एस आर टी लिखो या टी आर एस लिखिए, तो इन दोनों का मैं एडिशन कर देता हूँ, यहाँ पे एंगल ए आर टी प्लस एंगल एस आर टी इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे ए आर टी तो पता नहीं है आपको, तो ए आर टी तो आप निकाल रहे हो, ए आर टी प्लस में एस आर टी कितना हो गया 125 इक्वल टू 180, इस 125 को इस तरफ ले जाइए, 180 में से माइनस करिए, इसको माइनस करोगे तो आपके पास ए आर टी निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 10 में से 5 गए 5 और यहाँ पे 7 में से 2 जाएगा 5, 55 आ गया आपके पास ए आर टी, तो इसका मतलब है यहाँ पे 55 आपके पास आ गया। ये कौन सा एंगल आया, ये यहाँ पे ये वाला एंगल आपके पास आ गया 55 डिग्री, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करना है आपको, इस क्यों वाली लाइन को आगे की तरफ बढ़ाना है, क्यों वाली लाइन को आगे की तरफ आपको बढ़ाना है, इस तरीके से बढ़ा देना है, ये बढ़ा दी यहाँ पे, तो मैं इसको मान लेता हूँ यहाँ पे बी,
ये बी मान लिया यहाँ पे। अब इस लाइन को मैं यहाँ पे बनाऊंगा टोटल, इस तरीके से बना देता हूँ मैं यहाँ पे, ये बना दी ठीक है, और डैश डैश डैश, और ये पहुँच गई यहाँ पे बी तक। ये लाइन इस तरीके से जा रही है, और यहाँ से पी है, ये क्यों आ गया यहाँ पे, और ये पहुँच रही है टी तक। तो मैंने इस लाइन को यहाँ पे एंगल, यहाँ पे जो एंगल दिया हुआ है वो 110 और 10 डिग्री दिया हुआ है ठीक है। आपको यहाँ पे ये एंगल निकालना है, तो सिंपल सी बात है ये एंगल निकालना है, तो सेम इसका जो टोटल एडिशन होगा वो 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री में माइनस करना पड़ेगा। तो सेम ऐसे लिखना पड़ेगा, एंगल पी क्यू टी प्लस में बी क्यू टी इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे पी क्यू टी कितना दिया हुआ है, 110 प्लस एंगल बी क्यू टी इक्वल टू 180। इसको यहाँ पे ले जाइए, तो एंगल बी क्यू टी इक्वल टू 180 माइनस में 110, माइनस कर दीजिए कितना आ गया आपके पास 70 डिग्री। आपके पास यहाँ पे बी क्यू टी जो एंगल आपके पास आया है वो 70 डिग्री आ गया। तो ये 70 डिग्री आपके पास आ गया, तो यहाँ पे देखिए ये 70 डिग्री बी क्यू टी एंगल जो आया है 70 डिग्री आया है। यहाँ पे देखो बी क्यू टी एंगल, बी क्यू टी ये एंगल जो आया आपके पास ये कितने डिग्री का आ गया, 70 डिग्री का आ गया ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, देखिए अब यहाँ पे, अब हम इस एंगल को यहाँ पे निकाल लेते हैं। ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है ये पैरेलल लाइन है, किसके पैरेलल लाइन, इस लाइन के पैरेलल है। तो यहाँ पे ये 70 डिग्री है, तो ये भी 70 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये एफ शेप बनी हुई है, इस तरीके से एफ शेप बनी हुई है यहाँ पे। तो ये एंगल 70 है, तो ये भी एंगल 70 होगा। देखिए मैंने जैसे बनाया हुआ है, ये 70 है, तो ये भी एंगल क्या हो गया, 70 डिग्री हो गया। कोई डाउट, तो ये 70 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे जो ट्रायंगल बना हुआ है, ये एंगल जो है यहाँ पे वो 55 था, और यहाँ पे एंगल जो आया था वो एक्स था, समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये एक ट्रायंगल तैयार किया गया है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो मैं इसको लिख देता हूँ, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं ये, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे एंगल, एंगल ये बी था यहाँ पे, बी क्यू टी, बी क्यू टी इक्वल होगा एंगल आर ए टी, आर ए टी इक्वल टू 70 डिग्री कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ठीक है, 70 डिग्री हो गया। अब आपको ये ट्रायंगल लेना है यहाँ पे, ट्रायंगल, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, आप लिखोगे इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए आर टी, ए आर टी तीनों एंगलन को प्लस कर दीजिए, एंगल ए प्लस एंगल आर प्लस एंगल टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 ठीक है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए कितनी डिग्री का, 70 डिग्री का है यहाँ पे, प्लस एंगल 55 डिग्री का है ठीक है, और एंगल टी आपको निकालना है 180। इन दोनों को प्लस कर देते तो कितना आ गया यहाँ पे, 5 125 प्लस में एंगल टी इक्वल टू 180। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, 180 में से 125 को माइनस करना है। तो यहाँ पे लिखना आपको एंगल टी इक्वल टू 180 माइनस में 125। तो माइनस करोगे आप, 10 में से 5 गए 5 और 7 में से 2 जाएगा 5, तो आपके पास एंगल टी आ गया, एंगल टी मतलब 55 डिग्री। टी कौन सा एंगल है आपके पास यहाँ पे, एक्स, कितना है यहाँ पे, एक्स ठीक है। तो एक्स आपके पास आ गया यहाँ पे 55 डिग्री, ये इसका सॉल्यूशन है, आप इस तरीके से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर केवल आपको इतना दिखाई देना चाहिए ठीक है, और भी जो नंबर लिखा हुआ है इसमें 55 डिग्री, 135 डिग्री ठीक है, उसका यूज़ मत कीजिए, डायरेक्ट यहाँ से आप आंसर निकालोगे। कैसे निकालोगे, यहाँ पे ये दोनों लाइन पी क्यू और आर एस, क्या ये पैरेलल लाइन है, तो यहाँ पे ना जेड से बनी हुई है, इस तरीके से देखोगे आप, यहाँ पे ये जेड से बनी हुई है, इस तरीके से ऐसे जेड से बनी हुई है यहाँ पे ठीक है। और जेड से जब बनी हुई है तो यहाँ पे कौन सा एंगल बनेगा, ये अल्टरनेट एंगल बनेगा, तो 75 इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, 75 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो डायरेक्ट आपको यही लिखना है यहाँ पे, डायरेक्ट आपको एंगल एक्स इज इक्वल टू 75 अल्टरनेट एंगल ठीक है, अल्टरनेट एंगल, एंगल मैंने और इसलिए नहीं लिखे ताकि आप कंफ्यूज ना हो ठीक है, ठीक है समझ में आ गया। वैसे एंगल यहाँ पे कितना आएगा, 55 डिग्री आ जाएगा,
और यहाँ पे आ जाएगा 130 डिग्री। ठीक है, इससे भी आप आंसर निकाल सकते हैं दोनों का यूज़ करके। ठीक है, लेकिन वो हो जाएगा लेंथ ही, तो डायरेक्ट आप इस तरीके से भी कर सकते हो आप यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर एट में आपको ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखिए, सबसे पहले तो ए इक्वल टू 130 होगा, ए इज इक्वल टू 130 एंगल आ गया, ए इज इक्वल टू 130 एंगल आ गया। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। अब आप देखोगे यहाँ पे एफ शेप बनी हुई है, यहाँ पे एफ शेप इस तरीके से बनी हुई है, मतलब डी इज इक्वल टू ए होगा, डी इज इक्वल टू क्या होगा, ए। अब एफ शेप इस तरीके से बनी हुई है, देखोगे आप, मैं यहाँ पे बना देता हूँ रफली। ठीक है, इस तरीके से ये लाइन इस तरीके से जा रही है यहाँ पे ऐसे, और ये लाइन इस तरीके से जा रही है, और यहाँ पे है डी और यहाँ पे है ए। ठीक है, ए एंगल आपको मिल चुका है 130 डिग्री। ये यहाँ पे एफ शेप बनी गई, यहाँ पे ये एफ शेप बनी हुई है, एफ इसी तरीके से तो बनती है यहाँ पे। यदि आप इस तरीके से घुमा के देखोगे यहाँ पे, ये एफ शेप बन गई, बनी है ना, नहीं बनी। तो इसलिए इसका जो एक अंदर वाला एंगल, ये अंदर वाला एंगल मान लेते हैं, और इसको बाहर वाला एंगल, तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो इसका मतलब है एंगल डी मिल गया आपको, एंगल डी इक्वल टू एंगल ए इक्वल टू 130 डिग्री। ये किस कारण से इक्वल हो गई? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। समझ में आ गया? इसी तरीके से हम B को निकाल लेते हैं, B के अपोजिट क्या हो गया, 150। B के अपोजिट क्रॉस में बना हुआ एंगल है, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया। तो मैं क्या लिखूंगा, एंगल B इक्वल टू 150, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, फुल फॉर्म इसकी यहाँ पे लिखी हुई, यहाँ से देख सकते हो। अब B किसके इक्वल होगा, C के इक्वल होगा। ये यहाँ पे F से बनी हुई है, ये आप बनाओगे यहाँ पे, F से बनी हुई है, देख लेना। B इज इक्वल टू C, जैसे मैंने ये बनाई है। ठीक है, एंगल C इज इक्वल टू एंगल B इक्वल टू 150 डिग्री। ये कौन सा हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाइन्थ क्वेश्चन का डायग्राम एक बार देख लीजिए बुक में, ये डायग्राम है पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्यूशन के हिसाब से डायग्राम बनाता हूँ इसका। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये पूरा कंप्लीट डायग्राम नीचे भी बना हुआ है। तो लेकिन हमारे पास यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए ये जो दो एंगल दिए हुए हैं यहाँ पे, इन दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा राइट एंगल के थ्रू। तो मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकाल देता हूँ। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 120 प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू 180। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे अलाइड एंगल। ठीक है, अलाइड एंगल। अब 120 को इस तरफ ले जाओ, तो x की वैल्यू आपके पास 180 माइनस में 120, और यहाँ पे आ जाएगा 60 डिग्री। तो एंगल x आपके पास आ गया है 60 डिग्री। समझ में आ गया? अब इसको मैं आगे बना लेता हूँ। अब ये कंप्लीट बन चुका है। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे जो ये लाइन है G और ये D, एक स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन पर चाहे कितने ही एंगल क्यों नहीं बन जाए, टोटल एंगल 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इन तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे मैं एंगल X प्लस एंगल Y प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, स्ट्रेट एंगल। अब यहाँ पे आपको पास x की वैल्यू पता है 60, तो मैं यहाँ पे 60 लिखूँगा। 60 प्लस y प्लस 90 इक्वल टू में 180। दोनों को प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 150 एंगल y इक्वल टू 180। 150 को उठा के यहाँ पे ले जाइए, तो एंगल y इज इक्वल टू 180 माइनस में 150 आ गया। तो कितना आ गया आपके पास यहाँ पे, 30 डिग्री। तो एंगल वाई आपके पास आ गया यहाँ पे 30 डिग्री। आपके पास यहाँ पे एक्स भी निकल गया, वाई भी निकल गया, लेकिन जेड और निकालना है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे नीचे जो बना हुआ है यहाँ पे ये एंगल, अब वाई आपके पास आ गया यहाँ पे 30 डिग्री। ठीक है, जैसे ऊपर बना हुआ था सेम ऐसे ही नीचे बना दिया, तो ये जो एंगल का सम होगा ये 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, अलाइड एंगल। क्या होगा, अलाइड एंगल का सम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एंगल Z प्लस में एंगल Y इक्वल टू 180, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे अलाइड एंगल।
अलाइड एंगल। तो आपके पास यहाँ पे वाई अभी निकल के आया था 30, तो मैंने 30 रख दिया प्लस एंगल जेड इक्वल टू 180। इस 30 को उठा के यहाँ पे ले जाओ, 180 माइनस 30, तो एंगल जेड आपके पास आ जाएगा 150। तो सभी एंगल आपके पास निकल के आ गए। इस तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है। 10th क्वेश्चन का डायग्राम ये आपके सामने है, 10th क्वेश्चन है ये, ठीक है। 10th क्वेश्चन का डायग्राम ये दिया हुआ है, तो 10th क्वेश्चन का डायग्राम मैंने नोटबुक में बना लिया है। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे 75 दिया हुआ है, यहाँ पे जेड सेप बनी हुई है, जेड सेप इस तरीके से, जेड सेप, ठीक है। और जेड सेप में कौन सा एंगल बनता है, अल्टरनेट एंगल बनता है। तो यहाँ पे जेड सेप ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हैं, 75 डिग्री है, 75 डिग्री के दो हिस्से हो गए, मतलब इनका जोड़ जो होगा वो 75 डिग्री होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे एंगल वाई प्लस 25 डिग्री इक्वल टू 75 होगा, क्यों, अल्टरनेट एंगल, ठीक है, अल्टरनेट एंगल के कारण। अभी 25 को उठा के यहाँ पे ले जाइए, तो 75 में से 25 माइनस कर दीजिए, एंगल वाई निकल के आ जाएगा, एंगल वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। तो वाई एंगल आपके पास आ गया 50 डिग्री, समझ में आ गया, एंगल वाई जो है वो 50 डिग्री आ गया। अब आपको एंगल यहाँ पे भी आपको निकालना है, एंगल यहाँ पे भी आपको निकालना है। ये पूरी कंप्लीट साइड जो दी गई है आपके पास में, ई एफ साइड दी गई है यहाँ पे, एफ ई, ये भी पैलर है यहाँ पे, ये इसके पैलर है, और ये एंगल जो बना हुआ है ये कौन सा एंगल बना हुआ है, ये जो एंगल एक ही लाइन पर बना हुआ है ये अलाइड एंगल होता है। अलाइड एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों को मैं प्लस करके कितना लिख देता हूँ, 180 डिग्री। नाउ एक्स प्लस 25 इज इक्वल टू 180, आप लिखोगे यहाँ पे अलाइड एंगल, अलाइड एंगल। तो 25 को उठा के यहाँ पे ले जाइए, 180 माइनस में 25, तो माइनस करोगे तो 10 में से 5 गए 5 और 7 में से 2 गए 5, तो यहाँ पे x की वैल्यू आपके पास आ गई 55, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो यहाँ पे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन का डायग्राम आपके सामने है, एंगल x इन द गिवन फिगर, ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए यहाँ पे, इस x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, इन दोनों को क्या करना होगा, एडिशन करना होगा, इन दोनों का प्लस इसके बराबर होगा, इन दोनों का प्लस इसके बराबर होगा, ठीक है, इन दोनों का एडिशन। तो हम लिख देते हैं एंगल x इज इक्वल टू एंगल b प्लस एंगल d, ठीक है। अब एंगल x इज इक्वल टू कितना हो गया, 30 प्लस में 20 इक्वल टू 50 डिग्री, ये इसका आंसर आप लिख सकते हो इसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको यहाँ पे दिया हुआ है एल एम पैलर है और पी क्यू पैलर है, एक्स वाई की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। एल और एम ये दोनों लाइन आपस में पैलर है, और यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन आपस में पैलर है, ठीक है। अब पैलर लाइन होती है तो वहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कैसे बनेगा, ये 75 है, ठीक है, जैसे डायग्राम आपके सामने, ये 75 है, तो यहाँ पे भी 75 होगा, ये कितना होगा, 75 होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कारण, ये लाइन और ये लाइन F बना दी, यहाँ पे F बन गया ये, तो ये और ये एंगल 75 हो गया, ठीक है, 75 हो गया। अब इसके सामने ये एंगल होगा, ये F शेप बनी हुई है यहाँ पे, F इस तरीके से F शेप बनी हुई है, ये F शेप बन गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये 75 है, तो ये भी 75 होगी y की वैल्यू, तो y की वैल्यू आपके पास आ गई यहाँ पे इज इक्वल टू 75, क्या लिखोगे आप, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल आप लिख लोगे, ठीक है। स्पेलिंग सही लिखनी है आपको, बुक में देख लेना अगर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा हो। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे y की वैल्यू आपके पास आ गई, अब x की निकालनी है। अब यहाँ पे ये एक स्ट्रेट लाइन बनी हुई है, इनका जोड़ जित कितना होगा, 180 डिग्री। तो आप लिखोगे यहाँ पे एंगल x प्लस 75 इज इक्वल टू 180, तो आप बोलोगे लीनियर पेयर बोल सकते हो, लीनियर पेयर एंगल। तो 75 को इस तरफ ले जाइए, तो एंगल x आपके पास 180 माइनस 75, माइनस कर दीजिए, 10 में से 5 गया 5, 10 में से 5 गया 5 और 7 में से 0, वी आ गया आपके पास यहाँ पे 105, एंगल 5 एक्स आपके पास आ गया 105। इस तरीके से आप कर सकते हो। लास्ट वाला क्वेश्चन है, उसको और करवा देता हूँ मैं।
क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में आपको पी क्यू आर एस एक्स जेड की वैल्यू आपको निकालनी है, छह एंगल आपको निकालने हैं। तो कैसे निकालने हैं, एक एंगल आपको दिया हुआ 60 डिग्री, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है इन सभी से, कैसे निकालोगे देखिए। अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये जो आपके पास यहाँ पे दी हुई साइड है ये क्या बना रही है, एफ शेप बना रही है। जैसे पहले कुछ से पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, ये एफ शेप बन गया। यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 60 होगा, देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये एफ शेप बना रही है इस तरीके से, ये बना रही है यहाँ पे, ये एक्स इज इक्वल टू 60 होगा नहीं होगा, तो मैं लिख देता हूँ एंगल एक्स इज इक्वल टू 60 डिग्री, कौन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल लिख दिया आपने, ठीक है। अब जब x इज इक्वल टू 60 आपके पास आ गया, ठीक है, अब आप देखो नीचे की तरफ, देखो नीचे की तरफ आप देखोगे यहाँ पे ये एफ शेप बनाई है, बनी हुई है यहाँ पे एफ शेप। z इज इक्वल टू x होगा, z इज इक्वल टू x होगा नहीं होगा, देखो बना के देखो यहाँ पे z इज इक्वल टू x हो जाएगा, एंगल z इज इक्वल टू एंगल x इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। अब जेड भी आपके पास आ गया है यहाँ पे 60 डिग्री, कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। अब जेड के इक्वल क्या होगा, पी होगा, जेड के इक्वल पी होगा, क्यों, यहाँ पे क्रॉस एंगल बना हुआ है। क्रॉस एंगल कौन सा होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जेड इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप यहाँ पे, जेड इज इक्वल टू पी लिखोगे और इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो आप लिखोगे यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे पी आ गया, अब जो बचे हुए एंगल आर एस क्यू, अब इनका कैसे निकालोगे आप देखिए। अब यहाँ पे यहाँ से एक अलाइड एंगल बन रहा है, ये अलाइड एंगल बन रहा है, अलाइड एंगल इन दोनों का सम कितना होगा 180, तो यहाँ पे 60 प्लस एंगल आर इक्वल टू 180 आप लिख सकते हो, अलाइड एंगल, अलाइड एंगल, तो 60 को उठा के यहाँ पे ले जाओ तो एंगल R इज इक्वल टू 180 माइनस में 60, तो आपके पास यहाँ पे कितना आ जाएगा 120, एंगल R आपके पास आ गया यहाँ पे 120, एंगल R आपके पास आ गया, ध्यान दीजिए। अब देखो कैसे निकलते सभी एंगल, एंगल R आ गया 120 डिग्री आ गया, ठीक है। अब ये R इक्वल टू S होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे एंगल R इज इक्वल टू एंगल S इज इक्वल टू 120, अब वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, S निकल के आ गया आपके पास यहाँ पे। जब S आपके पास आ गया तो नीचे की तरफ F की शेप बनी हुई है, नीचे की तरफ F की शेप आप देख रहे हो यहाँ पे, ये F बना हुआ है, ये नीचे की तरफ F, S इज इक्वल टू क्यों हो जाएगा, S इज इक्वल टू क्यों, तो S इज इक्वल टू क्यों हो जाएगा, तो एंगल S इज इक्वल टू एंगल क्यों इक्वल टू 120, क्यों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। स्पेलिंग को सही लिखना है, ठीक है, कहीं पे कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो बुक में आप स्पेलिंग देख सकते हो। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।